हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तड़का ब्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त नवरूप। और लास्ट ब्लॉग में जैसे आपने देखा था कि मैं सिलचर से गोवा कल निकला था, लास्ट ब्लॉग में उसका ही ब्लॉग बनाने की कोशिश किया, सिलचर से कोलकाता, फिर कोलकाता से बेंगलोर, बेंगलोर से गोवा। तो अभी कल रात को आने होटल में आने के बाद बहुत टायर्ड हो गया था, तो जल्दी से डिनर किया, फिट्स हो गया, अभी जस्ट नींद से उठा हूँ। तो आज गोवा टूर का पहला दिन है, आज शायद नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करूँगा मैं। अभी नीचे लॉबी में जा रहा हूँ होटल का ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करेंगे। और आज का दिन में क्या क्या होता है वो सब आज के ब्लॉग में आएगा, लेकिन उससे पहले एक बार होटल और रूम टूर दे देता हूँ। ये होटल बहुत ही बढ़िया है, होटल का नाम है द ग्रैंड रिवेरा गोवा। अभी रूम टूर देता हूँ और व्यू भी बहुत अच्छा है। फिलहाल के लिए आप एक रूम टूर ले लीजिए, शायद आपको भी पता चल जाए कैसा रूम मिलता है द ग्रैंड रिवेरा में। गाइज, अभी सीन ये है, ब्रेकफास्ट करके मैं आ गया और ब्रेकफास्ट जो बहुत ही टेस्टी था। ब्रेकफास्ट करने के बाद प्लान ये हुआ है कि नॉर्थ गोवा में दो बीच बहुत ही पॉपुलर है, एक है कलंगुट बीच और एक है बागा बीच। तो अभी मैं होटल के नज़दीक में ही एक कार और बाइक रेंट का दुकान था, तो वहाँ मैं गया, जाके स्कूटी रेंट लिया और उसका चार्जेस लगा 500 रुपीज़। उसमें डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपना लाइसेंस लेके आ जाइए और उसके साथ आपका जो पैन कार्ड हो गया, वोटर आई डी कार्ड, जो भी एक आई डी प्रूफ लेके आ जाइए, तो वो लोग वो नोटिस करके रखेंगे और आपको एक रिसिप्ट देंगे। और शाम को 9 बजे के अंदर, अगर मेरा वेस्पा है तो शाम को 9 बजे के अंदर अगर वो रिटर्न कर देता हूँ तो 500 रुपीज़ लगेगा, और अगर उसके बाद मतलब कल अगर रिटर्न करता हूँ तो 600 रुपीज़ लगेगा। बाकी वो लोग 100 रुपीज़ का पेट्रोल डाल के दिए हैं, वो अलग एक्स्ट्रा चार्जेस है। और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप पम्प, लोकल जो पेट्रोल पम्प्स हैं वहाँ से भी ले सकते हैं पेट्रोल, 80 रुपीज़ करके शायद लीटर है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से होटल के रूम से निकल रहा हूँ और जाऊँगा कलंगुट बीच, गूगल माता की जाए, उनके कृपा से अभी निकलते हैं और कलंगुट बीच में जाके आपसे मिलते हैं। दिस इज़ द लॉबी एरिया ऑफ द होटल, मैं जहाँ पर ठहरा हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे पूरा गाड़ी वगैरह स्टोर किया हुआ है, और यहाँ पर पीछे में और भी जीप वगैरह है। और ये जो जीप है ये स्पेशली गोवा में आने से आप रेंटल में ले सकते हैं, और इसका प्राइसेस ज़्यादा नहीं, शायद 1000 या 1200 रुपीज़ होगा। तो आप जब यहाँ पे आओगे तो ये जीप में एक्सप्लोर कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड ऑप्शन। और यहाँ पे पीछे की तरफ ये सामने पीछे की तरफ जो पूल एरिया है, तो ये पूल भी मस्त है, लेकिन इसमें इतना पानी नहीं है गहरा, थोड़ा बहुत पानी है। तो आप यहाँ पे आने से ही पानी में बैठ के चिल भी कर सकते हैं और यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी ले सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं जो यहाँ पे जो हवा चल रही है वो भी बहुत मस्त है। तो द ग्रैंड रिवेरा होटल इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन, अगर आप आते हो गोवा पे तो बजट होटल में ये अच्छा होटल है, और यहाँ पे आप आके चिल कर सकते हो अपना हॉलीडे।
मैं आ गया हूँ कलिंगुट बीच में। अभी आपको जो रोड दिखाया वो बीच में आने का जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस का रोड दिखाया, और वो शॉर्टकट रोड है। तो आप यहाँ से शॉर्टकट आने से मेन जो एंट्री है वहाँ पे बहुत जैम वगैरह रहता है, अभी पीक टाइम है, इसलिए शॉर्टकट रोड से हम आए हैं कलिंगुट बीच में। और अभी यहाँ पे चिल करेंगे, और यहाँ पे शायद थोड़ा साउंड का इशू हो सकता है क्योंकि समुंदर का जो लहरें का बहुत आवाज़ आ रहा है पीछे से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग एकदम बिंदास चिल कर रहे हैं, पूरा शेक्स बना हुआ है। और एक स्पेशल चीज़ जो मैं अभी तक आप लोगों को नहीं बताया, मैं यहाँ पे आया हूँ घूमने के लिए अलॉन्ग विथ माई वाइफ। सो आपने फेसबुक पर देखा ही होगा कि कुछ दिन पहले हम लोग का शादी हुआ है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी है, बनाना राइड ले सकते हैं, पैरासीलिंग वगैरह सब कुछ ही आप कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं आगे, अगर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। मैं इंडिया में दूसरी जगह के बीचेस पे भी गया हूँ, पौंडीचेरी, चेन्नई या फिर पुरी, लेकिन गोवा में जो बीच में आया कलिंगुट बीच में, दिस इज़ वन ऑफ द अभी तक का मेरा देखा हुआ क्लीनेस्ट बीच में बोल सकता हूँ। इतना मतलब गंदगी नहीं है, आदमी भी सब जेंटल आदमी वगैरह है, और यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी हैं जो घूम रहे हैं, एंड पूरा यहाँ पे स्वच्छता का पूरा ध्यान दिया हुआ है, तो ये अच्छा है, हाइजीन भी है, और आप बिंदास होकर फ्रीली घूम सकते हैं। गाइस यहाँ पे आने के बाद ऐसा फील हो रहा है, एकदम चिल जगह है और चिल करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। पहले मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ देखा था गोवा के बारे में, तो सभी लोग बागा बीच या कलिंगुट बीच थोड़ा क्राउडी वे सब बोल रहे थे, लेकिन अभी जो मैं आया हूँ यहाँ पे कलिंगुट बीच में, अभी टाइम हो गया 11:30 PM को मैं आया था, अभी 12 बज रहा है, लेकिन हम लोग जिस स्पॉट में हैं पूरा एकदम खाली है, और इतना भीड़ भाड़ भी नहीं है, स्पॉइलर्स इज देयर, तो एकदम मस्त एनवायरनमेंट है, और सब लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं। पीछे लोग वाटर स्पोर्ट्स पे ले रहे हैं, और बागा बीच में जाएंगे यहाँ पे कुछ टाइम रहने के बाद, लंच करके फिर बागा बीच में जाएंगे। और तब तक के लिए आप ये मेरे जो पीछे व्यू देख रहे हैं उसका एक टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए, फिर आपको लंच पे मिलते हैं। गाइस ये जो कलिंगुट बीच है वो बहुत ही बड़ा है, मोर देन 5 किलोमीटर्स यहाँ पे जो लोकल से वो कह रहे थे। तो मैं बीच का जिस पोर्शन में हूँ, एक्चुअली मेन एंट्रेंस से वो काफ़ी दूर है, एंड जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे एकदम शैक्स बना हुआ है यहाँ पे बीच साइड चिल करने के लिए, थोड़ा बहुत बेंचेस भी लगा हुआ है। तो अलग अलग जितना भी यहाँ पे कैफेटेरिया है सबका यहाँ पे शेक्स वगैरह है, आप यहाँ पे बैठ कर चिल कर सकते हैं, स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है तो सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकते हैं, हार्ड ड्रिंक पसंद है तो हार्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे पूरा बीच का एरिया, तो एक्चुअली मैं जिस होटल में ठहरा हुआ उधर ग्रैंड रिवेरा, वहाँ से ये जो बीच का पॉइंट है सामने है, तो इसलिए मैं इस पॉइंट पर आया हूँ। लेकिन अगर आप कलिंगुट का मेन बीच जो है वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत भीड़ रहेगा, लेकिन चिल करना है तो आप कलिंगुट का ग्रैंड रिवेरा होटल में आइए, यहाँ से जो नज़दीकी बीच पॉइंट है उसमें आइए, पूरा एकदम मस्त व्यू है। और ये पीछे का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत बढ़िया है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा समुद्र का लहर है, लहरें आ रही है, और यहाँ पे पीपल जो लोग हैं वो भी बहुत बिंदास है, चिल कर रहे हैं, किसी को कोई कुछ लेना देना नहीं, आप पार्टी करो, जो भी करना है करो, पानी में कुछ जो करना है करो। और यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं जो मैंने किया नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग गुड, शायद कल या परसों ट्राई करूँगा, मैं यहाँ पे चाहती हूँ। और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपको बनाना राइड है, फिर आपका पैरासीलिंग है, स्पीड बोट राइड है, और फिर एक बोट राइड भी है। तो अगर आप इंडिविजुअली लोगे तो हर एक चीज़ का 300 to 350 rupees लेता है, लेकिन आप पूरा पैकेज में लोगे तो ये टोटली 1300 में पूरा पैकेज आपका आ जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं कलिंगुट बीच में हम लोग इतना टाइम चिल किए मैं और मेरे वाइफ, तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, अभी बज रहे हैं देर, और अभी जाएंगे यहाँ पे अगोड़ा जो फोर्ट है वो बहुत ही नज़दीक है, 10 मिनट्स का ड्राइव है, तो स्कूटी ऑलरेडी मैंने रेंट पे ले लिया है, तो अभी यहाँ से निकलेंगे और अगोड़ा फोर्ट में जाते हैं। अगोड़ा फोर्ट के बाद शायद बागा बीच हो सकता है तो आज जाएंगे, नहीं तो कल जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे आके थोड़ा मतलब इतना अच्छा लगा, लेजर में कितना टाइम चल के मतलब गुजर गया पता ही नहीं चला, इसलिए अभी देर बजे निकल रहा हूँ अगोड़ा फोर्ट के लिए, अगोड़ा फोर्ट में जाके आप सब लोग से मिलते हैं। गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ अगोड़ा फोर्ट में, अभी जा रहा हूँ टिकट काउंटर के ओर, वहाँ पर जाके टिकट करके फिर अगोड़ा फोर्ट के अंदर में जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और अगोड़ा फोर्ट कलिंगुट बीच से जब यहाँ पे हम स्कूटी में आया मैं,
तो स्कूटी में आने का टाइम बहुत ही अच्छा रास्ता था और एक्चुअली मैं बाइक स्कूटी चला रहा था तो शूट नहीं कर पाया। तो 20 मिनट्स का ड्राइव है कलंगुट बीच से, तो आप यहाँ पे इजीली आ सकते हो गूगल मैप के जरिए। इनसाइड व्यू मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड किया और ब्लॉगिंग भी मोबाइल से कर रहा हूँ, तो साउंड कैसा आएगा थोड़ा इश्यूज हो सकता है साउंड का, होपफुली ऐसा इश्यूज ना हो। तो बहुत धूप है तो इट्स मैंडेटरी कि आप कैप या छाता लेके आए, और यहाँ पे ऐसे कोई शेल्टर वगैरह है नहीं, और यहाँ पे आने से आपको टिकट काटना पड़ता है। टिकट होता है 25 रुपीज़ का। अगर आप DSLR लेके आते हो तो फोटोज वगैरह खींच सकते हो, लेकिन आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे, और कैमरे का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो पर पर्सन 25 रुपीज़, और आप फोटो आराम से निकाल सकते हो यहाँ से। तो अभी हम अगौटा फोर्ट से निकल रहे हैं और उसके बाद शायद शाम को बागा बीच जाएंगे। गाइज, दोपहर को अगौटा फोर्ट से आने के बाद बहुत टायर्ड हो गया था तो मैं सो गया था। अभी जस्ट उठा हूँ, लंच भी किया होटल में आके, फिर अभी सो के उठा हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम को 7:30, और यहाँ पे शाम भी बहुत देर से होता है। मैं सोच रहा था अभी तक 6:30 बज रहा है, अचानक उठ के देखा तो 7:30 बज गया। तो अभी निकल रहे हैं बागा बीच के लिए। सुना है यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत ही हैपनिंग है बागा बीच में, तो बागा बीच में जाके आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे और एक चीज़ पता चला कि गोवा का टिटोस लेन जो है वो बहुत ही फेमस है फॉर पार्टी और नाइट लाइफ के लिए। मैं कोशिश करूँगा टिटोस लेन के ऊपर एक ब्लॉग बनाने की, जो आने वाले दिनों में शायद आप मेरे चैनल पर आप देख पाओगे। अगर हो सकता है तो मैं बनाऊँगा, कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं निकल रहा हूँ बागा बीच के लिए, वहीं पर जाके आपसे मिलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं अभी बागा बीच में आ गया हूँ, और यहाँ पे पूरा एकदम फुल ऑफ पार्टी एनवायरमेंट है। यहाँ पे अगर आप रात को आएंगे तो एकदम हार्डकोर पार्टी कर सकते हैं। हर एक शेक में म्यूजिक बज रहा है, आप सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकते हैं, हार्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं। और एकदम मेरा पूछा पीछे आप देख रहे हैं, पूरा लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं शाम को। आप जब भी गोवा होकर बागा बीच को रात को आइए, दिन में यहाँ पे इतना एक्टिविटी नहीं होता है, वाटर एक्टिविटी वो सब रहेगा। और हाँ, अभी साउंड का थोड़ा इशू हो सकता है क्योंकि यहाँ बहुत शोर है और लास्ट वॉल्यूम में साउंड भी प्ले हो रहा है। तो मैं जस्ट अभी आपको एक व्यू देता हूँ बागा बीच का, और आप जब भी गोवा पे आओगे एकदम बागा बीच में आइए। मस्त भी सकते हैं पार्टी को, जिनको पार्टी करना पसंद है, घूमना पसंद है, टिकटना पसंद है, और यहाँ पे एकदम पैसा वसूल है। आप शाम को आइए गोवा में, आने से बागा बीच में शाम को ही आप आइए।
गाइज मैं अभी बागा बीच से रूम में आ गया हूँ और आज सुबह से मैंने जो जो एक्टिविटीज़ किया होटल का रूम टूर था, उसके बाद कैलिंगुट बीच में गया, कैलिंगुट बीच के बाद एगोडा फोर्ट में गया, वहाँ से शाम को रूम में आ गया, फिर नाइट लाइफ में बागा बीच कैसे दिखता है वो सब आपको दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग्स आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त नवरूप दत्ता और आप देख रहे हैं तड़का ब्लॉग्स। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं @नवरूप दत्ता और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं @नवरूप दत्ता। तो बने रहिए तड़का ब्लॉग्स के साथ और शायद कल मैं नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा दो में से एक जगह एक्सप्लोर करूँगा, तो जो भी होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। हर मंडे आप चैनल पर ट्यून रहिएगा, गोवा ट्रिप का हर एक ब्लॉग नेक्स्ट मंडे से या ट्यूजडे से आना शुरू हो जाएगा। और जुड़े रहिए तड़का ब्लॉग्स के साथ, खुश रहिए, आसपास खुशियाँ बांटते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आप जो भी कमेंट करते हो मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि आपके कमेंट से इंस्पिरेशन मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ कुछ टॉपिक में ब्लॉग बनाऊँ तो वो भी आप सजेशन में दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें भी ब्लॉग बनाने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए तड़का ब्लॉग्स चैनल को। और ये ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो गोवा आने के लिए प्लान कर रहे हैं।